हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ICSE बोर्ड के 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरम्स ऑन एरिया। हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सिम्स ऑन एरिया। एक्चुअली चैप्टर का नाम तो थ्योरम्स ऑन एरिया है, बट इससे पहले कि हम एरिया से रिलेटेड थ्योरम्स को समझें, हमें पहले एक्सिम्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली एक्सियम का मतलब होता है कोई ऐसा फंडामेंटल फैक्ट जिसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। थ्योरम्स के लिए तो बाय आपको एक प्रॉपर प्रूफ की जरूरत होती है, बट एक्सियम्स के लिए हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जिनको आप बाय डिफॉल्ट ट्रू मान सकते हो। ठीक है, तो पहला जो एक्सियम है आपके सिलेबस में वो है कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियम बहुत सिंपल सी बात है, ये कहता है कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। अब इसे जरा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। एक और ट्रायंगल मैं ले लेता हूं इसके जैसा ही बिल्कुल, PQ और R, इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन है, 3 सेंटीमीटर की वाली साइड हो गई, ये वाली साइड इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई और ये वाली साइड इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं इसका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए ये फिगर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्सियम आर फंडामेंटल फैक्ट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू बाय डिफॉल्ट। इनको आप देख सकते हो, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यही बात हमें कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियम बताती है कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। चलिए अपनी दूसरी एक्सियम को देखते हैं, एडिशन एरिया एक्सियम। ये भी बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने 4th-5th क्लासेस में किए हुए हैं, बहुत ईजी है। ये कहती है कि जैसे आपका कोई फिगर है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज करिए ये है आपका फिगर, इसमें आपको दो नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स दिए हुए हैं, एक R1 है और एक R2 है, और आपको इस पूरी टोटल फिगर का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप इसके लिए आप R1 रीजन का एरिया निकाल देंगे और R2 रीजन का एरिया निकाल देंगे, और फिर एरिया ऑफ द टोटल फिगर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रीजन। यही देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, टोटल एरिया ऑफ द रीजन इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, ये दोनों एक्सियम्स जो है आपके सिलेबस में, और थ्योरम से पहले हमें इन एक्सियम्स को समझना जरूरी था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो कि है इक्वल फिगर्स वर्सेस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये भी बहुत आसान सी चीज है, देखिए इसे समझते हैं, इक्वल फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली इक्वल फिगर्स वो होते हैं जिनका एरिया इक्वल हो, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनमें शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो। अब ये बहुत जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है फिगर्स यानी कि उनका शेप और साइज सेम है तो उनका एरिया ऑब्वियसली इक्वल होगा, जैसा कि आपने इस वाले एग्जांपल में देखा था। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का हमेशा एरिया इक्वल होता है, इस वजह से वो हमेशा इक्वल फिगर्स होंगे। सो मैंने यही बात यहां लिखी हुई है, देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल फिगर्स बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ये तो जरूरी है कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो इक्वल फिगर्स होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि जो इक्वल फिगर्स हो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने यहां पर एक ट्राइंगल लिया जिसका बेस यहां पर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, और यहां पर इसकी हाइट मैं ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ इंटू 4 इंटू 3 इट विल कम एज 2 1 2 2 4 इट विल कम एज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now take another triangle PQR. In this I am taking the base QR as 6 centimeter. Height I will take say to 2 centimeter. इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया is equals to half into base 6 into height 2. That will come 6 centimeters square again. Now from these two figures it is quite clear
दैट इसका एरिया कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बोथ दीस ट्राइंगल्स आर इक्वल फिगर्स, बट एज यू कैन सी दैट द साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो द स्टेटमेंट इज हियर कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सारे के सारे जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो इक्वल फिगर्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो दो इक्वल फिगर्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हों. ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एक्सियम्स खत्म हो चुके हैं और जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं. अब हम अपने थ्योरम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे जो एरिया से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड. तो चलिए अब अपने चैप्टर के बेसिक्स के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. अभी अभी हमने अपने एक्सियम्स फिनिश करे और अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है थ्योरम्स का. तो एरिया से रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसमें सबसे पहली थ्योरम जो आती है आपकी वो है a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal areas. इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर सपोज करिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम क्या होता है आप जानते ही होंगे, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं. जैसे कि अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाले जो साइड्स है वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. अब जैसे हमारे पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें जो इसकी डायगनल होगी, डायगनल यानी कि जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाती है जैसे कि बीडी, तो जैसे मैंने कि यहां पर एक ड्रॉ एक डायगनल ड्रॉ किया है बीडी, तो बीडी जो डायगनल है वो क्या करेगा इसको दो ट्राइंगल्स में बांटेगा. एक तो ट्राइंगल ए बी डी हो जाएगा और एक ट्राइंगल आपका ए बी सी डी हो जाएगा. इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल आएगा. यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यही हमारे चैप्टर की पहली थ्योरम है. A diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal areas. जो parallelogram की diagonal होती है, चाहे कोई सी भी ले लीजिए, चाहे आप ये BD diagonal ले लीजिए, चाहे यहाँ पर आप AC diagonal ले लीजिए, ये कोई सी भी एक diagonal को आप देखोगे तो वो क्या करेगी, parallelogram को दो triangles में बांटेगी और उन दोनों triangles का area equal आएगा. तो ये थी हमारी पहली theorem. अब हम अपनी दूसरी theorem की तरफ आगे बढ़ते हैं. दूसरी theorem ये कहती है कि जो parallelograms होते हैं सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में. अगर आप ऐसे कितने भी पैरेललोग्राम्स लेते हैं जिनके बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए गए हैं तो उनका एरिया भी जो है वो इक्वल आएगा. इसके पीछे एक वजह है वो अभी थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगी आपको, और बकायदे से प्रूफ भी है. आप चाहें तो मैं प्रूफ के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर सकता हूं. मैं प्रूफ इसमें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वाली थ्योरम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं. ये थ्योरम कह रही है कि अगर आप सेम बेस पर पैरेललोग्राम्स बनाते हैं और वो भी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तो उनका एरिया इक्वल आएगा. जैसे कि मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम लिया है ए बी सी डी, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम मैं यहां पर दूसरा बना लेता हूं. सपोज करिए ये इस तरीके से, इसका नाम कुछ और रख देंगे हम, लेकिन बनाएंगे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, ये ध्यान रखिएगा. ये आपका एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गया और उसी सीडी बेस पे ही मैंने एक और नया पैरेललोग्राम बनाया, इसका नाम मैं लिखता हूँ ई और इसका नाम लिखता हूँ एफ. तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पाएंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टू आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया जो है वो ई एफ सी डी के इक्वल आएगा. ई एफ सी डी के इक्वल आएगा. रीजन वही है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं वो सेम बेस सी डी पे लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस ई बी के और डी सी के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, तो अगर दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे लाई करते हैं, कहां पर, सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा. और इसी के साथ एक एडिशनल थ्योरम है जो कि इसी का कन्वर्स है, वो कन्वर्स मतलब उल्टी थ्योरम है ना. तो किसी भी थ्योरम का जो अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स बोलते हैं. जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा. क्या होगा इसका कन्वर्स, अगर दो पैरेललोग्राम्स जो है वो सेम बेस पे लाई करते हैं और उनका एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब वो जिन दो लाइंस के बीच लाई कर रहे होंगे वो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी. तो ये था इस थ्योरम का कन्वर्स. चलिए इसी के साथ हमने दो थ्योरम्स अपनी कंप्लीट कर ली है और अब हम कुछ फॉर्मुलेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि इन थ्योरम्स के बेसिस पे डिराइव किए गए हैं. तो पहला फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आपके पास एक सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट. इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जरा ये समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी.
क्वेश्चंस करते वक्त। ये देखिए, ये आपका मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, मैं नाम रख देता हूं उसका पी क्यू आर एस। यहां पर बेस का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो बेस का मतलब यहां पर होता है कोई सी भी जो साइड होगी ना पैरेललोग्राम की, वो यहां पर बेस की तरह काम कर जाएगी। आप चाहे तो आप आर एस ले लीजिए, वो बेस हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो क्यू आर को बेस ले सकते हैं, आप चाहें तो क्यू पी को बेस ले सकते हैं, आप चाहें तो पी एस को बेस ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है वो कौन सी साइड पे गया है, क्योंकि जिस साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना उसको तो आप ले लोगे बेस की तरह, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या ट्रीट होगी? हाइट। तो यहां पर इस वाले केस में बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला लगा लेंगे आप? बेस इंटू हाइट। बट मान लीजिए कि आपने जो है परपेंडिकुलर इस वाली साइड पे ड्रॉ करा है, तो ये वाली साइड बेस बन जाएगी फिर, और ये हाइट बन जाएगा। तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप अगर इसको बेस लेंगे, इसको हाइट लेंगे, तो जो एरिया आएगा वही एरिया यहां से भी आएगा, जो अगर आप क्यू आर को बेस लेते हैं और फिर यहां से ड्रॉ करके हाइट लेते हैं तो भी वही सेम एरिया आएगा, क्योंकि जगह तो उसने उतनी ही घेरी हुई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बेस इनटू हाइट। बेस मतलब उसकी कोई सी भी साइड, और हाइट मतलब उस साइड पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये फॉर्मूला फिनिश होता है, और अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला असल में इससे ही निकल के आया है, इस वाली थ्योरम के ध्यान से। इसमें क्या कहा था? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो क्योंकि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में बांटती है, यानी कि दो ट्राइंगल्स में बांटती है जिनके इक्वल एरिया है, तो इस हिसाब से तो यही साबित होता है ना कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का आधा होगा। तो वही मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था? बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना जाएगा? फिर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, अभी भी वही सिचुएशन है। बेस का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल की कोई सी भी साइड जो लेंगे आप वो बेस जाएगी, और उस साइड पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो आपका हाइट हो जाएगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला भी फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है वो क्या है? नेक्स्ट थ्योरम आपका है, इफ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। देखिए ये थ्योरम जो है वो काफी अच्छा किससे मिलती है। इसमें भी क्या बोला गया है कि अगर कोई पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस लाई करते हैं, लेकिन वहां पर और इसमें क्या अंतर है? इसमें जो था वो दोनों क्या थे? पैरेललोग्राम्स थे। ठीक है, इसमें क्या है? एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है। तो अगर कोई पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस भी लाई करते हैं, तो पैरेलल्स लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। लेकिन यहां पर क्या है? एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, तो ऐसे में क्या होगा? जो ट्राइंगल का एरिया होगा ना वो पैरेललोग्राम से आधा आएगा। वजह यही है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। आपने बोला बेस सेम है, आपने बोला सेम पैरेलल लाइंस बीच में रहते हैं, और क्योंकि आप जानते हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उनके बीच में डिस्टेंस हर जगह इक्वल रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि बेस और हाइट दोनों सेम रहेंगे। तो इसका इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम और ट्राइंगल जो है वो सेम बेस लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस बीच में करते हैं, तो ऐसे में ट्राइंगल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कितना हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरम भी फिनिश हो जाती है, और अब हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है उसको देखते हैं। वो क्या कहती है? ट्राइंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इसमें क्या था? इस वाली थ्योरम में दोनों पैरेललोग्राम थे, सेम बेस लाई करते थे, सेम पैरेलल लाइंस भी लाई करते थे, उनका एरिया इक्वल था। अब इस वाली थ्योरम में क्या हुआ? इस वाली थ्योरम में बोला कि एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, तो इसमें क्या हुआ? वो अभी भी वही है, सेम बेस और सेम पैरेलल बीच में लाई करते हैं, तो ऐसे में जो ट्राइंगल का एरिया था वो पैरेलल के एरिया से हाफ आ गया था। अब जो हमारी लास्ट थ्योरम है ये बोलती है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं, तो भी ऐसे कंडीशन में क्या होगा? इनका एरिया इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी सारी थ्योरम्स फिनिश होती है।